अल्लाह दुहाई है फिर बेवफाई है, मुश्किल रिहाई है हाँ तेरे प्यार में। हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा रेस टू के बारे में। रेस टू सीक्वल है रेस वन का। रेस वन रिलीज हुई थी 2008 में, जो कि एक सुपर हिट मूवी थी। रेस टू रिलीज होने वाली है, और रेस टू के बारे में अगर कहा जाए तो इसके कलेक्शन के बारे में कि ये कहाँ तक जाएंगे और क्या होगा इनके कलेक्शन का, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रेस टू के कलेक्शन पे कुछ इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ एरिया में काफ़ी सर्दी है और इसकी वजह से अर्ली शो और लेट नाइट शोज पे काफ़ी इफ़ेक्ट्स पड़ सकता है। लेकिन अगर इसके फर्स्ट डे फ्राइडे के कलेक्शन के बारे में बताऊँ तो मुझे लगता है कि फ्राइडे के कलेक्शन 10 करोड़ प्लस होंगे, और अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो ये सैटरडे को ज़ाहिर है जंप करेगी, और संडे को हॉलीडे है मज़ीद ये जंप करेगी, और मुझे लगता है कि ये 50 करोड़ प्लस कर लेगी। और अगर इसके मंडे के कलेक्शन के बारे में अगर कहूँ तो इसके मंडे के कलेक्शन कुछ ड्रॉप होंगे, अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो इतने अफेक्ट्स नहीं होंगे कलेक्शन पे। और जहाँ तक इसके 100 करोड़ करने की बात है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इसकी प्रमोशन, इसका म्यूज़िक और इसकी स्टार कास्ट बहुत ही बढ़िया हुई हैं। और जहाँ तक लोगों को ये फिक्र है कि ये फिल्म 100 करोड़ करेगी या नहीं करेगी, तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप जानना चाहें तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 100 करोड़ कर भी सकती है लेकिन मुझे लगता है ये मुश्किल है, क्योंकि अगर ये 100 करोड़ नहीं करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फिल्म फ्लॉप है। नहीं, फ्लॉप नहीं होगी, लेकिन ये अगर 100 करोड़ ना कर सके तो ये 85 to 90 करोड़ ज़रूर टच करेगी। और जहाँ तक ओवरसीज़ का ताल्लुक है तो उधर भी काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इस मूवीज़ को, इसके प्रोमोस को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, और इसका अच्छा ही रिजल्ट आएगा। और जहाँ तक इस फिल्म में एक्शन, जो प्रोमो में एक्शन दिखाया जा रहा है बहुत ही बढ़िया लगता है, और हाई पॉइंट्स इसके अभी तक नहीं दिखाए हैं, वो फिल्म जब आप देखने जाएंगे तो आपको तब समझ आएगी इसके एक्शन के बारे में। लेकिन अगर कहा जाए कि ये फिल्म कहाँ तक जाती है, तो ये तो फिल्म कि रिस्पांस पे सारा है कि भाई ये रिस्पांस इसका फ्राइडे को कैसा आता है, ऑडियंस रिस्पांस अच्छा हुआ तो ये यकीनन करेगी 100 करोड़, लेकिन अगर ये नहीं भी कर सकी तो ये 85 to 90 करोड़ ज़रूर ही टच करेगी। और आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।